एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई अभी तुम्हारा भाई हो चुका है तैयार, अब मम्मा से लंच बॉक्स लेके मैंने जाना है स्कूल। तो लंच बॉक्स दीजिए मम्मा जी। लो जी, वाटर बॉटल भी लो जी। अब मैं रख के आ रहा हूँ। ठीक है, वेलकम बैक। तो ये देखिए जी, ईशांत को भेज दिया मैंने स्कूल। उसकी गाड़ी आ जाती है 7:25 पे, और वो गया। मशीन मैंने पहले से ही लगा दी थी इसके जाते ही, ईशांत के जाते ही। तो बस फिर ये कपड़े वगैरह निकालने लगी थी मशीन से। कपड़े धुल चुके हैं सारे, बस अब सूखना डालना है। एक दो जो रह गया है वो हाथ से धो देंगे। तो ईशांत के जाते ही मेरे ये कपड़े धुलने वाला काम हो गया। अभी किचन का काम ऐसे ही पड़ा है, बस वही है, खाना पकाना हो गया, खाना बनाना ये सब हो गया। बस किचन साफ़ करने वाला रह गया। तो कपड़े भाई सूखना डाल दिए, मौसम सुहाना, ये नहीं पता कि कब बरसात आ जाए। देखिए भाई ज़बरदस्त। और कपड़े सूखना डालने के बाद फिर वाश बेसन साफ़ करने लगी थी मैं, क्या नहाने से पहले ये वाले काम कर देती हूँ, एक दो जो भी है। तो आप बने रहिए भाई, वीडियो देखते रहिए जब तक मैं वाश बेसन साफ़ करती हूँ। वाश बेसिन हो गई अच्छे से साफ, चमक चुकी है। तो साथ के साथ मैं इसको मतलब सूखे कपड़े से सुखा भी दूंगी, जो इसकी साइड में पानी वगैरह गिरा है वो भी सूख जाएगा, और इसको सुखा देंगे साथ के साथ। और इसको अब मैं नहीं खोल लूँगी, मतलब इसको बंद कर देंगे यहाँ से वाश बेसिन को, क्योंकि भाई तीन तीन वाश बेसिन मतलब गंदे हो जाते हैं। तो मैं सोच रही कि जो वॉशरूम में वॉश बेसिन है ना, वही यूज़ किया करेंगे, क्योंकि मैं और ईशान तो यही वाला वॉश बेसिन यूज़ करते हैं, और जो अंदर वाले हैं वो दोनों के दो, ईशांत के पापा। तो इसलिए हमने सोच लिया कि इस वाले वॉश बेसिन को छोड़ देते हैं यूज़ करना। तो फिर इसकी हर पल भाई सफाई चाहिए,
क्योंकि सामने है, अगर कोई आ जाए फिर ऐसा अच्छा सा नहीं लगता ना, तो इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि धोया भी नहीं जाता, टाइम नहीं मिल पाता। और वो भाई वॉश बेसिन साफ करने के बाद फिर वॉशरूम में आ गई थी, मैं बता रही थी कि मेरी एक दो चुन्नी वगैरह और एक ईशांत की शर्ट थी वो बाद में मुझे मिली, तो वो मैं अभी साथ के साथ धो दूँगी, और ताकि मतलब फिर कपड़े धोने के बच्चे ही ना ये हो जाए कि हाँ हमने कपड़े धो दिए, अगर ये रह जाएंगे तो फिर ये ही रहेगा, भी कपड़े अभी बाकी हैं तो साथ के साथ फिर ये वॉशरूम भी हम धो देंगे, और फिर पीछे वाले वॉशरूम में नहा के वहीं से वहीं उसको भी साफ़ कर देंगे। तो आज वॉशरूम क्लीनिंग भी हो गई है, वॉशरूम क्लीनिंग भी कई दिन के बाद हुई है, तो धो देती हूँ कपड़े। बने रहिए आप व्लॉग में, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। काम करने का मज़ा और नहाने का मज़ा तो भाई ताज़े पानी में ही है, जब ताज़ा पानी आता है जब ही मैं मतलब पानी वाले काम करती हूँ, जैसे मुझे कपड़े वगैरह धोने हो या नहाना हो तो ताज़े पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि भाई ताज़ा पानी जो है ना वो तेज़ी से आता है और ठंडा ठंडा आता है, तो इसमें काम करते हुए भाई बहुत मज़ा आता है। तो यही है मेरा, जब भी मतलब ताज़ा पानी चलता है तो तभी मैं ये पानी वाले काम करती हूँ। तो धो दिए जी ये दो चार जो भी कपड़े थे, ये वाले धुल चुके हैं, बाकी ऐसे ही हवा में सूख जाएंगे, इनको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मशीन तो मैंने यहाँ से बाहर निकाल ही दी थी, अगर मशीन अभी वॉशरूम में ही होती फिर तो मैं सुखा भी लेती, पर सूख जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं। और अब ये वॉशरूम धो के फिर निकलते हैं इस वाले वॉशरूम से बाहर, तो दूसरे में चलेंगे भाई फिर साथ के साथ काम करते हुए, और फिर हमारी किचन रह जाएगी, उसके बाद फिर किचन में चलेंगे।
बाकी भाई जो भी बचा हुआ काम है वो नहाने के बाद करूँगी, बस यही रह गया कपड़े वगैरह उठाने और किचन साफ़ करनी। तो भाई उधर से मैं सारी सेटिंग करके आ चुकी हूँ, बेड वगैरह, और ये यहाँ अब किचन की साफ़ सफाई चलेगी और जो भी सामान है बर्तन वगैरह उनको भाई करेंगे साफ, और सामान ये सारी सेल्फ वगैरह खाली कर देंगे, सब्जी वगैरह जो भी निकालने की है उसको निकाल के रख देंगे, और साथ के साथ सारे बर्तन साफ कर देंगे। तो आटा वगैरह मैंने निकाल दिया, दोपहर को ही शांत आएगा, बस सिर्फ फुलके उतारने हैं। भिंडी की सब्जी बची है जो सुबह बनाई थी, तो मेरा और ईशांत का दोनों का काम चल जाएगा। तो कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, बाय।